दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक शिखा मैम जीएस। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि कल से अदर जीएस पर भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जीएस का मतलब ऑल जीएस है ना। दो दो दिन आपके, जैसे कल ज्योग्राफी पे रहेगा, फिर हिस्ट्री पे रहेगा, इस तरह से क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। ये प्रश्न आपके हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और व्याख्या को ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संघ एवं उसके राज्य का क्षेत्रफल किस भाग में है। देखिए भाग से बहुत प्रश्न आते हैं, आपके पास विकल्प चार विकल्प हैं, हम चारों की बात कर लेते हैं। भाग चार में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, कई बार पूछा गया है भाग चार का संबंध किससे है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से है। भाग तीन का संबंध मूल अधिकार से है, किससे है, मूल अधिकार से है। ठीक है, भाग दो का संबंध नागरिकता से है। ये प्रश्न आपके यूपी टेट में आया हुआ है, नागरिकता में भाग दो का संबंध है। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एक हो जाएगा, भाग एक, संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन चारों भाग को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, बताएंगे। देखिए गणतंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में इसके बारे में बताया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में लाया गया था और इस संविधान सभा को इस प्रारूप को 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसका तात्पर्य होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, भारत में वंश परंपरा नहीं होगा, राजा है तो अगला राजा उसका पुत्र नहीं बनेगा। तो अगर पूछा जाए कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है तो भारत में वंश परंपरा नहीं होगा, सी आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, अभी हमने आपको बताया। देखिए बीएन राव ये कौन थे, तो बीएन राव की बात करें तो ये संवैधानिक सलाहकार थे, है ना। ये कौन थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीआर अंबेडकर को पापा कहा जाता है, ये संविधान के जनक थे, संविधान के फादर कहा जाता है इन्हें। महात्मा गांधी को आपको पता ही है, बेचारे स्वतंत्रता एंजॉय नहीं कर पाए, बहुत आंदोलन किए। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले नेहरू थे, नेहरू चाचा थे, और ये जो प्रस्तावना लाए थे इस प्रारूप को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में लाया गया। तो देखिए आपको ध्यान रखना, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान के पापा जनक बी आर अम्बेडकर, नेहरू जी प्रस्तावना का प्रारूप लेकर आए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 143 अनुच्छेद का संबंध किससे है। देखिए अगर हम बात करें राज्यपाल की तो यहाँ राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल कहाँ होते हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, जबकि राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में पद के बारे में बताया गया है। अब किसी भी मामले पर सलाह लेने के लिए ए आपका सही विकल्प होगा, भारत के राष्ट्रपति आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 आप कमेंट बॉक्स में से जरूर लिखिएगा, और राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 153 में है। ठीक है, चलिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। देखिए महाधिवक्ता को इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट ऑफ स्टेट, है ना। देखिए होता क्या है कि एक महान्यायवादी होते हैं, इस बार जो यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ है उसमें ये प्रश्न आया था, और एक महाधिवक्ता होते हैं।
तो अगर इनका काम होता है भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना, ठीक है, तो आप कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। अगर महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देंगे तो महाधिवक्ता, कंपेयर कर लीजिए, ये राज्य में होती हैं, तो ये किसको परामर्श देंगे? तो ये परामर्श देंगे राज्यपाल को, है ना। एक चीज़ और समझिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो भाई महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आपके लिए प्रश्न है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक चीज़ और समझिएगा, महान्यायवादी पूरे भारत में एक हैं, जबकि महाधिवक्ता हर राज्य में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? देखिए यहाँ पे जितने भी संशोधन है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। 100 संविधान संशोधन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ था। 86 संविधान संशोधन 2002, ये आपके CDP वाले पार्ट में पूछा गया है, और ये 100 वाला 2015 में हुआ था, भारत बांग्लादेश। 86, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का प्रावधान किया गया। बाकी 74 नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, 74 नगर पालिका से संबंधित है, चारों ही आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट में चुनाव हुआ है और यहाँ से प्रश्न आ सकता है, है ना। चुनाव हो भी रहा है, आज भी पूर्वांचल का था। देखिए तो ये इसका जो गठन हुआ था निर्वाचन आयोग का, ये हुआ था 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। गठन कब हुआ, फिर से दोहरा दे रहे हैं, 25 जनवरी 1950 नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपात के कार्यकाल को अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। अब आप ये बताइए, कल हम यूक्रेन और रूस का जो विवाद, उसको हम आपको समझाएंगे। यूक्रेन रूस में लड़ाई हो रही है, क्या आप कह सकते हैं कि 6 महीने में युद्ध खत्म हो जाएगा, 1 साल में युद्ध खत्म हो जाएगा, 3 साल में युद्ध खत्म हो जाएगा? कुछ भी निश्चित नहीं है, क्या पता कल ही युद्ध खत्म हो जाए। तो जब भी भारत में भी यही कंडीशन लागू होती है, कभी ऐसी कोई एक्टिविटी आती है, मतलब होती है, तो आप क्या कहेंगे, अनिश्चित काल, युद्ध की कोई सीमा नहीं है, कब होगा कब खत्म होगा पता नहीं, है ना, और ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है, राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 बताया गया है, और वित्तीय आपात के बारे में 360 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो क्या होगा, हम आपको बता दें, जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, मतलब सार्वभौमिक, ये क्या है, ये पहले हो गया 3 नंबर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एक ही है, ठीक है, प्रजातांत्रिक, मतलब आपका उत्तर क्या होगा, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 5 कह रहे हैं, 2, है ना, तो यहाँ पे आपका ये सही होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है, ठीक है। नीचे मालदीव है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, इधर आपका नीचे बांग्लादेश हो गया, ऊपर आपका नेपाल है, फिर आपका क्या है, नेपाल के बाद आपका चाइना है, मंगोलिया है, रूस है ना। तो एक चीज़ समझिएगा, अब यहाँ पे नया राज्य बनाने की बात हो रही, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तेलंगाना राज्य है ना, मान लीजिए, तो भैया भारत के अंदर की बात हो रही है, अगर कोई चेंजेस करना है तो इसके लिए सी आपका सही विकल्प होगा, अनुच्छेद 3 सही विकल्प होगा। अब एक चीज़ समझिएगा आप, अगर मान लीजिए भारत सरकार और ये पाकिस्तान में समझौता हो, पाकिस्तान का प्रवेश भारत में किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका अनुच्छेद 2 हो जाएगा। अगर बाहरियों का प्रवेश भारत में होता है, एक बार फिर समझ लीजिए इसको, अगर बाहरियों का प्रवेश भारत में होगा तो अनुच्छेद 2 होगा, अगर भारत में ही जहां प्रवेश लिखा होगा आप अनुच्छेद 2 मारेंगे, प्रवेश मतलब बाहर से आ रहा है, और जहां गठन लिखा होगा आप अनुच्छेद 3 को टिक करेंगे, ठीक है। और संविधान के भाग 1 में इसके बारे में बताया गया है, क्लियर हो गया। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग कल ज्योग्राफी के पार्ट को देखेंगे, 2 दिन ज्योग्राफी चलेगा, फिर आपका 2 दिन हिस्ट्री चलेगा, इस तरह से आपका चलेगा। और हम जल्दी ही बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम बोर्ड पर आके पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और आपका फिर जब पॉलिटी का सेशन स्टार्ट होगा तो चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।